नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग और तैयारी कैसी चल रही है आप सभी लोगों की पेट की। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत मेहनत से इस समय पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों अब समय बहुत कम बचा, आप सभी लोगों को सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई ही करनी है। इस दोस्तों आज हम वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में। जैसा कि आपको पता है, छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में हमेशा ऐसे प्रश्न जरूर आते हैं। इस वीडियो में मैं इसको छोटे से टॉपिक को छोटी सी बातों में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उससे खत्म कर लूंगी। आपको अगर बहुत चीज़ें पता है, जैसे नहीं पता तो ही पता चल जाएगी। पूछा जाता है महाभिनीश क्रमण किस चीज़ को बोला जाता है, या फिर धर्म चक्र परिवर्तन क्या होता है, इन सब चीज़ों को आज बताएंगे यहाँ पे। फटाफट जुड़ जाइए और जल्दी से खत्म करने की कोशिश करेंगे। पहला सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है दोस्तों, बौद्ध धर्म को शुरू करते हैं, बाद में जैन धर्म करेंगे। अगर इन दोनों में कंपैरिजन करें, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बौद्ध धर्म है। संस्थापक कौन थे दोस्तों बौद्ध धर्म के? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे दोस्तों आपके गौतम बुद्ध जी। कौन थे संस्थापक? गौतम बुद्ध थे आपके बौद्ध धर्म के संस्थापक। इनके पिता का नाम क्या था दोस्तों? इनके पिता का नाम था दोस्तों शुद्धोधन। क्या नाम था? शुद्धोधन। और ये किस वंश के थे? ये थे दोस्तों शाक्य वंश के। ठीक है, शाक्य वंश के थे ये आपके। फिर अगर बात करें माता का नाम, तो माता का नाम था दोस्तों माया देवी। क्या नाम था इनका? माया देवी इनकी माता का नाम था। और ये किसकी वंश की थी? ये कोलीय वंश की थी। कोलीय वंश की इनकी माता थी। इनका जन्म कहाँ हुआ? इनका जन्म दोस्तों हुआ था कपिल वस्तु के निकट, एक जगह है, वो क्या नाम है उसका? लुम्बिनी। कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। और लुम्बिनी कहाँ है दोस्तों? लुम्बिनी आपका नेपाल में पड़ता है। अगर आपसे पूछे कि लुम्बिनी कहाँ है, या इस समय जो गौतम बुद्ध जी का जन्म स्थान है वो कहाँ पर है, तो आप बताएंगे नेपाल में है। इस बात की पुष्टि एक मौर्य शासक के अभिलेख से मिलती है। कौन सा वो मौर्य शासक है दोस्तों, बताइए कौन से मौर्य शासक के अभिलेख से मिलती है? मौर्य शासक थे दोस्तों, उनका नाम था अशोक। मौर्य शासक कौन थे? अशोक। अशोक के कौन से अभिलेख से ये बात पता चलती है, इस बात की पुष्टि होती है कि गौतम बुद्ध जी का जन्म जो है वो कपिल वस्तु में नेपाल में हुआ। बताइए कौन से अभिलेख से हुई? अगर आप लोगों को पता है तो कौन से अभिलेख से हुई दोस्तों? रुमिन देई अभिलेख से। क्या नाम है इसका? रुमिन देई अभिलेख। इस बात से ये बात पता चलती है, इस बात की पुष्टि फिर से होती है कि क्या कहते हैं इनका गौतम बुद्ध जी का जन्म स्थान है वो क्या है? कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा गया है किस अभिलेख से इस बात का पता चलता है, तो इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में बता दिया आपको रुमिंदे अभिलेख अशोक के उसमें। अब हम बात कर लेते हैं इनका आगे की लाइफ, आगे का क्या उसमें रहा, क्योंकि ये क्वेश्चन तो आपको हो गया, बहुत बार आता है परीक्षाओं में कि गौतम बुद्ध जी का जन्म कहाँ हुआ। कैसा ऑप्शन होगा? कपिल वस्तु, कुशीनगर, या फिर पावनबीर, कुछ भी होगा, राजगृह कहाँ हुआ था आपको बताना होगा, वैशाली होगा, श्रावस्ती, बहुत ऑप्शन होंगे। हम लोग अब बात करें दोस्तों इनकी पत्नी का नाम क्या था। तो इनकी पत्नी का नाम था दोस्तों यशोधरा। इनकी शादी हुई थी, उनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। और पुत्र का नाम क्या था दोस्तों? पुत्र का नाम था राहुल। क्या नाम था पुत्र का नाम? राहुल। 29 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध जी ने अपने ग्रह को त्याग कर दिया था। कितने वर्ष की आयु में पूछा जाता है? किस वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध जी ने घर को त्याग दिया था? तो 29 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध ने अपने ग्रह को त्याग कर दिया था। गौतम जी ने ग्रह त्याग कर दिया था, ग्रह त्याग कर दिया। ठीक है, इस ग्रह त्याग को क्या बोलते हैं दोस्तों? ग्रह त्याग को बोलते हैं महाभिनीश क्रमण। ठीक है, क्या बोलते हैं ग्रह त्याग को? महाभिनीश क्रमण। ये टर्म इसलिए बता रही बहुत जरूरी है कि कई बार प्रश्न जब आता है ना, सीधे पूछा जाता है महाभिनीश क्रमण किस उम्र में हुआ, महाभिनीश क्रमण गौतम बुद्ध जी के द्वारा किस उम्र में किया गया। तो आपको पता होना चाहिए महाभिनीश क्रमण किसको बोलते हैं? गौतम जी बुद्ध के ग्रह त्याग करने को बोलते हैं। आपको ये सब पता होगा, थोड़ी मोटी मोटी चीज़ें, कि गौतम बुद्ध जी पहले से पहले खाली अपने राजा उसमें रहते थे, अपने महल में खाली रहते, उनको पता ही था। बाहर निकल उन्होंने देखा कि मृत्यु हो रही है, मृत्युशैया जा रही है, एक आदमी वृद्ध हो गया है, तो उनको लगा, समझ में आया कि दुख है, ये सब चीज़ें वास्तव में दुख है, और इसीलिए ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने 29 वर्ष की उम्र में क्या हुआ, अपना गृह त्याग कर दिया। क्या बोलते हैं? महाभिनीश क्रमण। ग्रह त्याग करके उन्हें क्या हुई? उन्हें उसके बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति के लिए निकले थे वो, तुमको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई दोस्तों उनको? ज्ञान की प्राप्ति अगर आपसे पूछी जाए कहां पर हुई महात्मा बुद्ध जी को, तो आप बताएंगे ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई। कहां हुई? बोध गया में निरंजना नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। बोधि वृक्ष के नीचे बैठे थे और बोधि वृक्ष के नीचे बैठ के इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो कहाँ पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई दोस्तों? बोध गया में हुई। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति इनको बोध गया में हुई। अब इसके बाद सीधे पूछ लेते हैं कि महापरिनिर्वाण कब हुआ। बीच में और चीजें बताएंगे आपको। महापरिनिर्वाण,
महापरिनिर्वाण या फिर निर्वाण, ये कहाँ पर हुआ दोस्तों? ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपका उत्तर प्रदेश का है, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में इनको क्या हुआ, महापरिनिर्वाण मिला, यानी कि इनकी मृत्यु हुई थी। मृत्यु को ही महापरिनिर्वाण बोला जाता है, ठीक है, मृत्यु को महापरिनिर्वाण बोला जाता है। कहाँ पर हुई? कुशीनगर में हुई। सीधे सीधे इंपॉर्टेंट चीज़ें वो मैं आपको बताती चल रही हूँ। अब देखिए, इसी बीच में मृत्यु ने बता दी, इन्होंने जब ज्ञान की प्राप्ति कर ली, ज्ञान की प्राप्ति कर ली इन्होंने बोधि वृक्ष में, बोधगया में, तो फिर क्या किया इन्होंने, इसको उपदेश भी तो दिया। तो पहला उपदेश गौतम बुद्ध जी ने कहाँ दिया, ये भी पूछा जाता है, पहला उपदेश कहाँ दिया बताइए। पहला उपदेश दोस्तों महात्मा बुद्ध जी ने कहाँ पर दिया था? सारनाथ में दिया। और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन बोलते हैं इसको, ठीक है। सारनाथ में दिया पहला उपदेश और क्या हुआ, इसे क्या बोलते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन। और कोई इंपॉर्टेंट चीज है, एक इंपॉर्टेंट चीज आपकी है, वो ये है कि इनके गुरु, इनके एक गुरु थे, उनका क्या नाम था? आलार कलाम। ये भी कई बार पूछा गया है, आलार कलाम ऑप्शन में होगा आपके पास, बुद्ध जी के गुरु का नाम बताइए। तो बुद्ध जी के गुरु का नाम क्या था? आलार कलाम, पूछा गया है ये प्रश्न, मैं इसलिए बता रही हूँ आपको। फिर पूछा जाता है कि बुद्ध जी ने सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ पर दिए? तो प्रथम उपदेश जी सारनाथ इंपॉर्टेंट है ही, सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ पर दिए? तो सबसे ज्यादा उपदेश दोस्तों कहाँ पर दिए थे? सबसे ज्यादा उपदेश इन्होंने श्रावस्ती में दिए। कहाँ पर दिए? श्रावस्ती, श्रावस्ती में सबसे ज्यादा उपदेश दिए किसने? गौतम बुद्ध जी ने। अब बात करते हैं दोस्तों गौतम बुद्ध जी की डेथ, मैंने बता दिया महापरिनिर्वाण कहाँ पर मिला? कुशीनगर में। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों? बौद्ध की संगीतियां लगने लगी, उसे क्या बोलते हैं? बुद्धिस्ट काउंसिल। चार बौद्ध की संगीतियां हुई, इसमें क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो आपको और बता दूं, क्योंकि उससे भी कई बार प्रश्न आता है। हम देखिए यहाँ पे दोस्तों, इस वीडियो में पूरा बौद्ध धर्म तो आपको पढ़ाएंगे तो काफी टाइम लगेगा, जो इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब जितना आप पढ़ के जाएंगे उसमें से क्वेश्चन आ जाएगा, वो यहाँ पे खाली डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अब बात कर रहे थे जो आपकी चार बौद्ध संगीतियां हुई थी, या फिर उसे आप बुद्धिस्ट काउंसिल बोलते हैं। तो जो पहली हुई थी, फर्स्ट आपकी जो बौद्ध संगीति हुई थी दोस्तों, वो कहाँ पर हुई थी? वो आपकी हुई थी अजात शत्रु के राज्य में। उस समय कौन था राजा? अजात शत्रु था। और ये कहाँ पर हुई थी? सबसे पहली बार इंपॉर्टेंट ज्यादा है, क्यों इंपॉर्टेंट है पता चल जाएगा आपको। ये कहाँ पर हुई थी दोस्तों? ये आपकी राजगृह में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? राजगृह में हुई थी। और इस समय जो आपका अध्यक्ष था वो कौन था? अध्यक्ष था आपका महाकश्यप। कौन था अध्यक्ष? महाकश्यप। यहाँ पे देखिए, मैं पहली बौद्ध संगीति के समय राजा कौन था उसका नाम लिख रही हूँ, यहाँ पर जगह लिख रही हूँ किस जगह पे किस स्थान पर हुई थी, और यहाँ पर उसका अध्यक्ष कौन था, उस संगीति का, बौद्ध संगीति का या फिर बुद्धिस्ट काउंसिल का अध्यक्ष कौन था, और क्या इंपॉर्टेंट चीज हुई थी इस समय। तो दोस्तों इस समय क्या है, महात्मा बुद्ध जी का जो शिष्य था उसका नाम था आनंद, और भी कई शिष्य थे लेकिन एक बहुत प्रिय शिष्य था महात्मा बुद्ध जी का, गौतम बुद्ध जी का, उनका क्या नाम था? उनका नाम था आनंद। तो इस समय दो पीटक, अगर आपने सुना होगा तो बुद्ध धर्म में तीन पीटक हैं, कौन कौन सी हैं? एक आपकी है सुत्त पीटक, ठीक है, एक आपकी विनय पीटक और एक आपकी अभिधम्म पीटक। ये तीन पीटक याद रखिए, पूछा जाता है कई बार इनमें से कौन सी पीटक नहीं है, सुत्त होगा, विनय होगा, अभिधम्म होगा, जातक होगा। आपको पता होना चाहिए ये तीनों क्या है, आपकी पीटक है, सुत्त पीटक, विनय पीटक और अभिधम्म पीटक। पीटक लिख दे रही हूं मैं, सुत्त पीटक, ठीक है, विनय पीटक और अभिधम्म पीटक। अब देखिए दोस्तों, पहली जो आपकी संगीति हुई, पहली काउंसिल हुई, वो कहां पर हुई? अजात शत्रु के शासनकाल में हुई, राजगृह में हुई, महाकश्यप उस समय अध्यक्ष थे। और क्या इंपॉर्टेंट चीज हुई थी इस समय पहली संगीति में दोस्तों? दो पीटकों का आपके कंपाइलेशन हुआ। कौन कौन सी पीटक का? एक आपकी सुत्त पीटक का हुआ। इसको किसने लिखा? इसको लिखा था आनंद ने। किसने लिखा? आनंद ने। दूसरी आपकी कौन सी पीटक बनी? विनय पीटक। और विनय पीटक का कैसे कंपाइलेशन किया? उपाली ने। किसने किया? उपाली ने, ठीक है। आनंद ने सुत्त पीटक लिखी और विनय पीटक उपाली में। इसमें होता क्या है बता दूं आपको, एक तरह समझ लीजिए जैसे हिंदू ग्रंथ या किसी में आप गीता वगैरह को मानते हैं, इसमें भगवान जी ने उपदेश दिया, वैसे ही ये पीटक जो होती है वो बौद्ध धर्म की टीचिंग है, एक तरह से मोटी मोटी जो टीचिंग जो बौद्ध धर्म ने बताई है वो बातें लिखी हुई है। सुत्त पीटक में क्या लिखा है? सुत्त पीटक सीधे सीधे टीचिंग है, सीधे सीधे क्या है? टीचिंग है। जो भी गौतम बुद्ध ने टीच किया, जो भी गौतम बुद्ध ने पढ़ाया है, इसमें वही लिखी हुई है चीजें, ठीक है।
जो भी गौतम बुद्ध की बातें थी, जो उन्होंने उपदेश दिए थे, उन सबका कंपाइलेशन किसमें है? सुत्त पीटक में। सारे उपदेशों का कंपाइलेशन किसमें है? सुत्त पीटक में। उपाले ने जो ये विनय पीटक लिखी, इसमें क्या थे? इसमें दोस्तों संघ के संबंधी नियम थे, यानी कि कैसे किसी भिक्षु को रहना है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, सब किसमें लिखा है? सब विनय पीटक में लिखा है। बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। दो पीटक थे, सुत्त पीटक, विनय पीटक। सुत्त पीटक में सारी टीचिंग्स बताई गई हैं और विनय पीटक में क्या बताया गया? संघ संबंधी नियम बताए गए थे। अब हम लोग बात कर रहे थे दोस्तों सेकेंड काउंसिल। दूसरी काउंसिल जो हुई वो किसके टाइम पे हुई दोस्तों? वो काल अशोक के टाइम पे हुई। किसके टाइम पे हुई? काल अशोक के टाइम पे हुई। और ये कहां पर हुई थी दोस्तों? ये हुई थी आपकी वैशाली में। कहां हुई थी? वैशाली में। इसको रब कर दे रही हूं ऊपर वाला, ये नहीं तो लिख नहीं पाऊंगी मैं। तो वैशाली में हुई दोस्तों। इस समय अध्यक्ष कौन था? इस समय अध्यक्ष था दोस्तों सब्बा कामी। कौन था अध्यक्ष? सब्बा कामी। ठीक है, अध्यक्ष सब्बा कामी था। इस समय क्या हुआ? सेकंड काउंसिल है, मैंने आपको बताया दो पीटक का कंपाइलेशन हुआ था। किसका किसका? सुत्त पीटक। ये याद कर लीजिए, पीटक पूछी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। तो आपको अगर नहीं पता होता, आपने नहीं पढ़ा होता तो आप जान नहीं पाते हो दोस्तों पीटक क्या चीज़ है। अगर पढ़ा होता है तो वेरी गुड, आपको पता होता है। सुत्त पीटक और विनय पीटक। विनय पीटक में मैंने आपको बताया संघ संबंधी नियम बनाए गए थे। उन्हीं नियमों को लेकर सेकंड काउंसिल में क्या हुआ? मतभेद हो गया। क्या हुआ दोस्तों इस समय सेकंड काउंसिल में? संघ संबंधी नियमों में मतभेद हो गया। संघ संबंधी नियमों को लेकर मतभेद हो गया। क्या हुआ? मतभेद हो गया। फिर इसे क्या बोलते हो आप? जब संघ संबंधी नियमों को लेकर मतभेद हुआ तो दो तरह के लोग आए। कौन कौन लोग आए दोस्तों? एक आए स्थिरवाद। कौन आया? स्थिरवाद। और दूसरे कौन आए? महासंघीय। दो लोग आए, एक आपके स्थिरवाद हुए और एक आपके कौन हुए? महासंघीय। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस क्योंकि सेकंड काउंसिल में हुआ तो इसलिए बता रही हूँ। इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बार बार बता रही हूँ। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों तीसरे की, कि तीसरी काउंसिल में क्या हुआ। तीसरी काउंसिल पहले किसके टाइम पे होगी? तीसरी काउंसिल आपकी अशोक के टाइम पे होगी। इसकी मैं एक आपको ट्रिक बता दूंगी याद रखने की, आपको याद कैसे रहेगा, सुनते जाइए बस आपको पता चल जाएगा। अभी अशोक के टाइम पे कहाँ हुई ये? पाटलिपुत्र में हुई। कहाँ पर हुई? पाटलिपुत्र में हुई। और इस समय अध्यक्ष कौन था? इस समय अध्यक्ष था मोगलीपुत्र टिस्स। क्या नाम था इसका? मोगलीपुत्र टिस्स। मोगलीपुत्र तिस्स ये इसका नाम था। इसको मैं रब कर दे रही हूँ। मोगलीपुत्र तिस्स इस समय अध्यक्ष थे। और इस समय क्या हुआ दोस्तों? इस समय आपका अभिधम्म पीटक का कंपाइलेशन हुआ। क्या हुआ? अभिधम्म पीटक का कंपाइलेशन हुआ। इस समय कौन सी बुक आपकी आई? थर्ड काउंसिल में अभिधम्म पीटक। अभिधम्म पीटक में क्या लिखा हुआ दोस्तों? अभिधम्म पीटक में लिखा हुआ है जितनी भी धर्म और उसके क्रियाकलाप हैं उसके बारे में लिखा हुआ है। क्या लिखा है? बौद्ध धर्म और उसके क्रियाकलापों के बारे में कहाँ लिखा हुआ है? अभिधम्म पीटक में लिखा हुआ है। ठीक है, अभिधम्म पीटक में लिखा हुआ है। चौथा सबसे आखिरी जो आपका था वो किसके टाइम पे हुई दोस्तों काउंसिल? चौथी जो बुद्ध संगीति थी वो आपकी कहाँ पे हुई? कनिष्क के टाइम पे। कहाँ पे हुई? राजा कौन था इस समय? कनिष्क था। कहाँ पर हुई? कुंडल वन है कश्मीर में। कहाँ पर हुई? कुंडल वन कश्मीर में, यहाँ पर हुई। और इस समय अध्यक्ष कौन था इस समय दोस्तों? अध्यक्ष था वासुमित्र। कौन था अध्यक्ष? वासुमित्र था। ठीक है, और इस समय क्या हुआ? इस समय दो लोग में डिवीजन हो गया था इसका, आपके बौद्ध धर्म का। दो लोग कौन थे? एक हीनयान थे और एक महायान थे। हीनयान और महायान में क्या हुआ? डिवीजन हो गया। हुआ क्या था? डिवीजन क्या हुआ था? आपको आपने देखी हुई कई जगह गौतम बुद्ध जी की मूर्ति होती है। कई लोगों ने क्या कर दिया? इनको ईश्वर मान के पूजना शुरू कर दिया। उन्होंने उसके लिए मूर्ति स्थापित कर दी। और कुछ लोगों ने क्या किया? बिना मूर्ति के पूजना शुरू कर दिया। इसी चीज़ को लेकर दो में डिवाइड हो गया गौतम बुद्ध। अब पूरा मैं फिर से बता दूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में बहुत बार आपसे ये पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए मैं आपको एक बार बता रही हूँ। पहली संगीति कहाँ हुई आपकी? पहली संगीति आपकी राजगृह में हुई। राजा कौन था? अजातशत्रु। अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप। और क्या हुआ? सुत्त पीटक और विनय पीटक का कंपाइलेशन हुआ। दूसरी संगीति कालाशोक में वैशाली में हुई। सब्बा कामी अध्यक्ष था। और क्या हुआ? जो आपके संघ संबंधी नियम थे उन्हें मतभेद हुआ। तीसरी संगीति अशोक के टाइम में हुई पाटलिपुत्र में। मोगलीपुत्र तिस और अभिधम्म पीटक का संकलन हुआ। कनिष्क में टाइम में चौथी संगीति हुई। कुंडलवन कश्मीर में वासुमित्र इसके अध्यक्ष थे। हीनयान और महायान में इसका डिवीजन हो गया, बट गए ये लोग। ये याद रख, कैसे रखेंगे आप? ऐसे याद रखिए, AKAK, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क, AKAK, ऐसे याद रखिए। आपको याद आएगा, भूलेंगे नहीं। राजा के कौन कौन से? क्योंकि राजा
और राज ये जगह ज्यादा पूछी आती है या अध्यक्ष वगैरह कम पूछा था, इंपॉर्टेंट चीज बता दे रही हूँ। तो राजा और जगह तो आपको एकदम याद होनी चाहिए, किस जगह पे पहली हुई, किस जगह पे दूसरी हुई, ये और राजा कौन था, ये दो चीज एकदम रख लीजिए, ये तो कंफर्म आनी होती है। इन सब में थोड़ा डाउट होता, हमेशा इतना नहीं पूछा था, लेकिन ये दोनों चीज आपको रटी होनी चाहिए, जरूर आएगी। ठीक, तो बौद्ध धर्म में इतना ही था और कुछ नहीं है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो हमेशा पूछा जाता है, किसे लाइट ऑफ एशिया बोला जाता है, किसे लाइट ऑफ एशिया बोला जाता है। हिंदी में शायद इसे बोलते हैं कि एशिया का ज्योतिपुंज किसको बोला जाता है, तो लाइट ऑफ एशिया को किसको बोला जाता है दोस्तों, महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया बोला जाता है। आपके ऑप्शन होगा किसको लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, बौद्ध बुद्ध गौतम बुद्ध जी को, या फिर इनको क्या कहते हैं महावीर स्वामी को, या फिर ऋषभ देव को, दो तीन नाम होंगे। तो किसको कहा जाता है लाइट ऑफ एशिया, बुद्ध जी को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे जितने बता रही हूँ, तो इसलिए वीडियो को प्लीज अंत तक जरूर देखिएगा, जितनी चीजें बताऊंगी सब इंपॉर्टेंट है और आपका टॉपिक फटाफट कवर हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं जैन धर्म की। जैन धर्म उतना इंपॉर्टेंट ऐसा कोई क्वेश्चन उसमें से आता नहीं है, फिर भी कुछ कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, जैसे कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। तो जैन धर्म के संस्थापक का नाम दोस्तों था ऋषभदेव। क्या नाम था? ऋषभदेव। सुना सबने होता है, लेकिन सबने जैन धर्म में नाम किसका सुना है? महावीर स्वामी का। सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन हुआ है, सबसे ज्यादा जो कुछ किया उन्होंने, प्रचार प्रसार किया जैन धर्म का, किसने किया? महावीर स्वामी ने किया। ये कौन से नंबर के तीर्थंकर थे, कौन से नंबर के थे? 24वें नंबर के। इन लोगों का क्या होता था दोस्तों, जो क्या कहते हैं जैन धर्म वाले लोग थे, इन लोगों का तीर्थंकर होते थे, जो लोग होते थे उनको क्या बोलते थे? तीर्थंकर बोलते थे। तो जैन धर्म के जो सबसे पहले तीर्थंकर थे, सबसे पहले थे वो कौन थे? ऋषभदेव। और उन्हीं को संस्थापक माना जाता है, किसका? जैन धर्म का। उसके बाद महावीर स्वामी का नाम सबसे फेमस है। महावीर स्वामी जो थे वो कौन से थे? 24वें तीर्थंकर थे। अब इनका जन्म कहां हुआ था? इनका जन्म दोस्तों हुआ था कुंडल ग्राम। कहां हुआ था? कुंडल ग्राम में इनका जन्म हुआ था महावीर स्वामी का। इनकी मृत्यु कहाँ हुई? क्योंकि जन्म और मृत्यु सबकी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस में ये बहुत पूछी जाती है। कहाँ पे हुई थी इनकी मृत्यु? पावपुरी में। कहाँ हुई थी? पावपुरी में हुई थी, ठीक है, इनकी मृत्यु। अब अगर हम पूछें कि जैन धर्म में चीज पूछी जाती है, वहां भी बौद्ध धर्म ने भी ज्ञान प्राप्ति की, उन्होंने उस ज्ञान प्राप्ति को क्या बताया? उन्होंने बताया कि हम क्या कहते हैं बोध वृक्ष के नीचे, उनको वहाँ बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जैन धर्म में जो ज्ञान होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं कैवल्य। ज्ञान को क्या बोलते हैं यहाँ पे? कैवल्य बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं? कैवल्य बोलते हैं। ज्ञान प्राप्ति को कई बार कैवल्य बोला जाता है जैन धर्म में। अब एक और चीज बात होती है कि महावीर स्वामी जी के पहले शिष्य का नाम क्या था। तो महावीर स्वामी जी के जो पहले शिष्य थे उनका नाम था जमाली। क्या नाम था? जमाली। ये इनके दामाद भी थे जमाली, और इनका नाम क्या था? प्रथम शिष्य जो थे जमाली थे। अब इसके बाद बात होती है कि इसमें क्या था दोस्तों, महावीर स्वामी अब तक तो ठीक था, उसके बाद क्या हुआ? जैन धर्म आपने देखा होगा दो टाइप के लोग होते हैं, एक लोग होते हैं जो कुछ नहीं पहनते नग्न रहते हैं, और एक लोग होते हैं जो व्हाइट कपड़ों में रहते हैं। तो दो में डिवीजन हुआ, किसमें डिवीजन हुआ दोस्तों? दिगंबर और श्वेतांबर। किसमें हुआ? दिगंबर और श्वेतांबर में जैन धर्म का डिवीजन हो गया था, ठीक है, दिगंबर और श्वेतांबर में जैन धर्म का डिवीजन हो गया। एक लोग थे जो आपके व्हाइट ड्रेस पहनते थे, और एक लोग कौन से थे? जो नग्न रहते थे। अब दोस्तों जैन धर्म से रिलेटेड और बौद्ध धर्म से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, जो हमेशा पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली कौन सी है। उत्तर प्रदेश में जैन धर्म और बौद्ध धर्म से रिलेटेड प्रसिद्ध तीर्थस्थली कौन सी है उत्तर प्रदेश में, दोनों धर्मों से रिलेटेड? तो कौन सी है दोस्तों? कौशाम्बी है। कौन सी है? कौशाम्बी। ये क्वेश्चन आया कई बार, कौन सी तीर्थस्थली है जहाँ पे बौद्ध और जैन धर्म दोनों की ज़्यादा स्पेशल इंपॉर्टेंस है? कौन सा है? कौशाम्बी है। कुछ चीज़ें और रह गई दोस्तों, ऐसे कौन सी ग्रंथ किस भाषा में लिखी गई, तो वो सब मैं आपको प्रैक्टिस सेट में कराऊंगी। अभी वीडियो को ज़्यादा लंबा करने की जरूरत नहीं है। अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ऐसी क्विक वाली छोटी छोटी वीडियो में जल्दी लाइक खत्म कर दूंगी आपका। इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स सब जल्दी ही आपकी वीडियो आने वाली, बस आप पढ़ाई करने की कमर कसकर तैयार हो जाए, बैक टू बैक वीडियोज आएंगे, बैक टू बैक आपको पढ़ना है, ठीक है। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कैसी लगी वीडियो कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।